आज हम थंब से पेंटिंग करने जा रहे हैं, इसलिए थंब में अलग अलग कलर लगा के उनको इम्प्रेशन ले लेंगे। फिर एक रेड स्केच पेन से उसका स्टेम ड्रॉ करेंगे, फिर स्टेम के डिटेल्स ऐड करेंगे, उसके बाद कैटरपिलर की डिटेल्स ऐड करेंगे। इस तरह से खूबसूरत सी प्यारी कैटरपिलर तैयार हो जाएगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।